नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय के के कैप एंड टू आई कैप माइनस टू जे कैप रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये बताना है सिंपल सवाल है सो so, अपने को जो डायरेक्शन दे रखी है तो अपनी इलेक्ट्रो वेव जो है उसका ई e, uh, उसकी डायरेक्शन है के कैप और बी जो है वैक्टर uh, वो दिया हुआ है टू आई कैप माइनस टू जे कैप आई कैप माइनस टू जे कैप ना नोटिस करना ये बी की डायरेक्शन नहीं है तो इसमें अगर आपको बी की डायरेक्शन निकालनी होगी सो दैट विल बी इक्वल टू बी वैक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड सो दैट विल बी इक्वल टू टू आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू ये आपकी बी की डायरेक्शन हो गई ना हमें बताना है यार, वेक्टर अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन होगी वो आएगी आपकी ई क्रॉस बी करके है नाइट सो इसकी जब डायरेक्शन निकालेंगे लेंगे ई क्रॉस बी यानी कि आपका ये हो जाएगा के जिसको हम आप वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट टू है रूट टू को बाहर ही ले, ले लेते हैं है नाइट डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको जब के क्रॉस आई करेंगे तो अपना ये गोला हमें याद होगा आई जे और के सो so, जब हम करेंगे के तो ये आपका के क्रॉस आई कैप तो के क्रॉस आई कैप ये वन बाय रूट टू बहा ले लेते हैं सो के क्रॉस आई कैप ये बनेगा आपका जे कैप और उसके बाद करेंगे के क्रॉस जे तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप और ये आ गया आपका प्लस आई कैप बन जाएगा ये सो so, ये आपकी इसकी डायरेक्शन आ जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर